हेलो एवरीवन, आज हम लोग ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न देखने जा रहे हैं। बहुत ही फेमस है और मतलब ऐसा समझो कि आउट ऑफ 10 इंटरव्यूज 2 to 3 इंटरव्यूज आपको पूछता है ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न 3+ एक्सपीरियंस वालों के लिए। तो और बहुत जगह यूज भी होता है, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ईजी भी है। डेफिनेशन पे बाद में आएंगे, पहले समझते हैं कि किस कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है ये। कुछ कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे कहाँ कहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि कभी भी इंटरव्यू पूछे तो हम लोग बता सकें, है ना। देखिए, आपका मैनेजर आया और आपको बोला कि हमारे पास एक वेदर स्टेशन है, जैसे कोई भी एक वेदर स्टेशन है, उस वेदर स्टेशन के पास क्या हो रहा है, सेंसर लगे हुए हैं और उसके पास ह्यूमिडिटी का सेंसर लगा हुआ है, टेम्परेचर का सेंसर लगा हुआ है और प्रेशर का सेंसर लगा हुआ है। ये वेदर स्टेशन का काम क्या है कि भाई हर एक 10 मिनट में तुम ह्यूमिडिटी सेंटर से डाटा रीड करो, सेंसर डाटा से डाटा रीड करो और प्रेशर सेंसर से डाटा रीड करो, ठीक है। ये वेदर स्टेशन का काम है। और जब तुम रीड कर रहे हो, जब तुम रीड कर ले रहे हो, तो हमारे पास क्या है कि लेट्स से कि ये जो वेदर स्टेशन है, लेट्स से कि 3-4 न्यूज चैनल है ना, 3-4 न्यूज चैनल है लेट्स से, और उनके पास 3 स्क्रीन्स हैं, मतलब उनके पास 3 स्क्रीन्स हैं जिसमें एक करंट, एक हमारा क्या है करंट कंडीशन है, दूसरा स्टैटिस्टिक्स है कि अभी तक का वेदर कास्ट कैसा रहा, है ना, और चौथा है तीसरा है फोरकास्ट कि जो वेदर स्टेशन है उसका काम क्या है, तुम डेटा रीड करो तीनों सेंसर से और तुम पास कर दो करेंट कंडीशन पे। जैसे ही कोई चेंजेज हो रहा है तो हमारा करेंट कंडीशन क्या है, अभी तक का एवरेज क्या रहा है टेम्परेचर का और फोरकास्ट क्या होने वाला है। इस तरह का हमको 3 डिस्प्ले बनाना है, 3 जगह डाटा दिखना चाहिए, है ना। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है, तब वहां पे आता है ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न, जो बहुत ही इजिली इसको सॉल्व कर देता है, अगर आप वीडियो कंटिन्यू करोगे तो आपको समझ में आएगा। पहले हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद कोड पे जाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न का। डिफाइंस 1-to-many डिपेंडेंसी बिटवीन ऑब्जेक्ट्स सो दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट चेंजेज स्टेट ऑल इट्स डिपेंडेंसी आर नोटिफाइड एंड अपडेटेड ऑटोमेटिकली, ठीक है। डिफाइंस 1-to-many डिपेंडेंसी बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, इस पार्ट पे बाद आते हैं, पहले देखते हैं व्हेन वन ऑब्जेक्ट चेंजेज। हमारा चेंज क्या हो रहा है, वेदर स्टेशन, यहाँ पे जो हमारा जो ये वेदर स्टेशन है ये हमारा चेंज हो रहा है, तब हर 10 मिनट के अंतर पे ये चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको ह्यूमिडिटी से डाटा मिल रहा है, टेम्परेचर से डाटा मिल रहा है और प्रेशर से डाटा मिल रहा है। तो व्हेन वन ऑब्जेक्ट चेंजेज स्टेट व्हेन वेदर स्टेशन चेंजेज द स्टेट ऑल इट्स डिपेंडेंट्स All its dependents. अब वेदर स्टेशन की डिपेंडेंट्स कौन कौन है, एक करेंट स्टेशन, दूसरा कौन है स्टैटिस्टिक्स और तीसरा कौन है फोरकास्ट। When weather station changes its states, all its dependents are notified. जैसे ही वेदर स्टेशन अपना स्टेट चेंज करे, जितने भी इसके डिपेंडेंट हैं, इसके डिपेंडेंट कौन कौन है, करेंट conditions, स्टैटिस्टिक्स और फोरकास्ट, इन तीनों को डाटा चले जाना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो वही यही ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न है। व्हेन, और हाँ, अब देखो 1-to-many रिलेशनशिप है, एक वेदर डाटा के पास मल्टीपल डिस्प्ले एलिमेंट्स हैं, राइट, करंट कंडीशन, स्टैटिस्टिक्स एंड फोरकास्ट। तो यही हमारा ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न, इट डिफाइंस 1-to-many डिपेंडेंसी बिटवीन ऑब्जेक्ट्स सो दैट वन ऑब्जेक्ट चेंजेस द स्टेट ऑल इट्स डिपेंडेंट्स आर notified and updated automatically, ठीक है। अब इसको अचीव कैसे करेंगे, उस पे बाद में आते हैं कि मैं कोड करके दिखाऊंगा इसका आपको, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, जो हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर लगाना है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया हमारे ऊपर वाले एग्जांपल में क्या हो जाएगा, वेदर स्टेशन। अब लेट से कि मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, आपके पड़ोसियों को चाहिए, आपके रिश्तेदार को भी चाहिए टाइम्स ऑफ इंडिया, तो आप क्या करोगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया स्टेशन पे जाओगे और उनको सब्सक्राइब कर लोगे कि
कि भाई कल से हमको आके हर डेली का न्यूज़पेपर आके दे देना। और टाइम्स ऑफ इंडिया क्या करेगा, डेली डेली न्यूज़पेपर पब्लिश होता है और वो डेली आपके घर पे पहुंच जाएगा सुबह सुबह। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जाके सब्सक्राइब कर लिया, किसको, टाइम्स ऑफ इंडिया को। और यहाँ पे एक सब्सक्राइबर नहीं है, हम हैं, आप हो, आपके रिलेटिव हैं, आपके पड़ोसी हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर हो सकते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया क्या करेगा, एक बंदे को दे देगा, वो सबके घर जाके डिलीवर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूज पेपर वाला एग्जाम्पल हो गया, हम लोग क्या हो गए, हम, आप, आपके पड़ोसी, रिलेटिव, हम लोग ऑब्जर्वर हो गए, हम लोग वहां पे ऑब्जर्वर हो गए। और वो जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वो क्या हो गया, वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, कि हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया में जो भी चेंजेस हो रहा है डेली बेसिस पे, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में जो भी डेली अपडेट आ रहा है उसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हम लोग ऑब्जर्वर, वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अच्छा, जो टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिशर है और हम लोग सब्सक्राइबर है उसके, इन दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो ऑब्जर्वर पैटर्न बन जाएगा। देखिए, ऑब्जर्वर पैटर्न जो होता है, वन टू मेनी रिलेशनशिप होता है। अगर एक एक ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज करता है तो उसके जितने भी डिपेंडेंट हैं वो सारे के सारे आपके ऑब्जर्व नोटिफाइड हो जाने चाहिए, भाई ये चेंजेज हो चुका है। टाइम्स ऑफ इंडिया में सुबह सुबह जो भी न्यूज चेंजेज होता है वो हमको, आपको, आपके रिलेटिव को, पड़ोसी को, सबको नोटिफाई किया जाता है। एक और एग्जांपल मैं अगर आपको और बताता हूँ आपको, लेट्स से कि हम लोग डेली न्यूज, डेली हम लोग अपने लाइफ में क्रिकेट देखते ही देखते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमको एक करंट स्कोर दिखाई दे रहा होता है ना, लेट्स से कि धोनी और विराट कोहली खेल रहे हैं, धोनी अपना रन बना रहे हैं, विराट कोहली अपना रन बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से चीजें अपडेट होती रहती हैं डिस्प्ले एलिमेंट पे। आप देखोगे तो क्या क्या, धोनी का करंट स्कोर क्या है, विराट कोहली का करंट स्कोर क्या है, इंडियन टीम का करंट स्कोर क्या है ना अभी, और उसके बाद फिर हाउ मच स्कोर स्टिल वी नीड टू विन, फिर धोनी का स्ट्राइक रेट, विराट का स्ट्राइक रेट। तो ये कैसे हो पाता है, तो इसके लिए सिंपल सा वही फंडा है कि हमें एक ऑब्जेक्ट है स्कोर, वो क्या हो रहा है, अपना स्टेट चेंज कर रहा है, पहले जीरो था, अब वन हुआ, टू हुआ, थ्री हुआ, फोर हुआ, फाइव हुआ। जब जब ये स्कोर स्टेट चेंज हो रहा है तब तक जितने भी डिस्प्ले एलिमेंट हैं, करेंट डिस्प्ले एलिमेंट, एवरेज डिस्प्ले एलिमेंट, हाउ मच वी नीड, स्ट्राइक रेट, सबको नोटिफाई कर दो कि भाई ये स्टेट, ये स्कोर जो चेंज हो चुका है, वहां पे जाके अपने हिसाब से फॉर्मूला लगा के आप अपना डिस्प्ले एलिमेंट बना लो। तो आई होप कि आपको पूरा ऑब्जर्वर पैटर्न, डिजाइन पैटर्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग जो ऊपर वाला प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो हम देखते हैं और फिर हम उसका कोडिंग देखेंगे। तो देखिए, मैंने क्या बोला था कि हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया को जाके हम लोग बताएंगे कि हमको पेपर चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया को हम लोग को जाके एजेंट, जो एजेंट होगा उसको हम लोग जाके बताएंगे कि हमको पेपर चाहिए। तो हमको जो बताना हो गया वो क्या हो गया कि रजिस्टर कर लो, हमको अपने सिस्टम में रजिस्टर कर लो। तो हम लोग एक सब्जेक्ट बनाएंगे है ना, वो एक इंटरफेस होगा, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग नेक्स्ट करेंगे। तो हम लोग पहले एक सब्जेक्ट बनाएंगे, उसको बोलेंगे कि हे सब्जेक्ट, कल से हमको टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर चाहिए, तो हमको तुम रजिस्टर कर लो। तो वहां पे एक मेथड जो हम लोग लिखेंगे वो है रजिस्टर ऑब्जर्वर। अब मान लीजिए कि आफ्टर 30 डेज जो हम लोग डिसाइड किया कि हमको वो न्यूज़पेपर नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रिमूव ऑब्जर्वर, वो जो होगा कि भाई अब हमको नहीं चाहिए, तुम हमको रिमूव कर दो। तो हमारे पास दो मेथड, एक रजिस्टर करने के लिए ऑब्जर्वर को और दूसरा रिमूव करने के लिए ऑब्जर्वर को। ठीक है, फिर एक रजिस्टर करने के लिए हो गया और एक रिमूव करने के लिए हो गया। फिर जैसे मान लो कि टाइम्स ऑफ इंडिया डेली चेंज हो रहा है, अपना डेली कंटेंट चेंज करेगा, तो सुबह सुबह सबको मिलना चाहिए, तो सबको नोटिफिकेशन जाना चाहिए, तो नोटिफाई ऑल ऑब्जर्वर्स, तो तीसरा मेथड हो गया नोटिफाई ऑल ऑब्जर्वर्स। ठीक है, अब ये तो हमारा इंटरफेस हो गया। अब हम लोग क्लास बना लेंगे जिसके अंदर हम लोग उसी सारे मेथड को हम लोग ओवरराइड कर लेंगे। और अब मान लीजिए कि हमारा क्या था, वेदर डाटा, तो हमने रजिस्टर, और हमारे पास यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि कौन कौन से हमारे वेदर डाटा पे डिपेंडेंट है, कौन कौन से, जब डाटा हमारा, वेदर डाटा जब चेंज हो रहा है तो कौन कौन से कंपोनेंट उस पर डिपेंडेंट है। तो एक क्या हो गया, करंट कंडीशन डिस्प्ले है ना, दूसरा क्या हो गया, स्टेटिस्टिक्स डिस्प्ले, तीसरा क्या हो गया, फोरकास्ट डिस्प्ले एलिमेंट। अब ये तीनों है क्या, ये तीनों है ऑब्जर्वर। इस केस में हम लोग ऑब्जर्वर थे, जब हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया का जब न्यूज़पेपर ले रहे थे तो हम लोग ऑब्जर्वर थे, बट इस केस में
करेंट डिस्प्लेसमेंट, स्टैटिक्स डिस्प्लेसमेंट, फोरकास्ट, ये तीनों ऑब्जर्वर हैं। किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? वेदर स्टेशन को। जब वेदर स्टेशन बोलेगा भाई दिस ये डाटा चेंज हो चुका है, तो करेंट डिस्प्लेसमेंट अपने हिसाब से चेंज कर लेगा, स्टैटिक्स अपने हिसाब से चेंज कर लेगा, फोरकास्ट अपने अपने डिस्प्लेसमेंट को चेंज कर लेगा। तो ये तीनों किसको, ये तीनों ऑब्जर्वर हैं। तो हमारे पास इन तीनों को ऑब्जर्वर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और ये आप डिस्प्ले में से डायरेक्ट भी इसमें लिख सकते हो, या फिर एक हमने एक इंटरफेस डिस्प्ले एलिमेंट बना लिया हुआ है और उसको भी इंप्लीमेंट कर लो। हर एक डिपेंडेंट के पास, डिपेंडेंट्स के पास एक अपडेट मेथड है और एक डिस्प्ले मेथड है। अपडेट मेथड कहाँ से आ रहा है? ऑब्जर्वर के पास। ऑब्जर्वर के पास अपडेट मेथड क्यों है? क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी वेदर डाटा में कोई चेंजेस हो तो वो हम लोग अपडेट कर दें सारे ऑब्जर्वर्स को। तो ऑब्जर्वर के पास अपडेट मेथड आ गया। और डिस्प्ले एलिमेंट, क्योंकि इस एग्जांपल में डिस्प्ले एलिमेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग डिस्प्ले करना चाहते हैं सारे कंटेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस सब्जेक्ट के पास हर एक ऑब्जर्वर का डिटेल है। ठीक है, हैजर रिलेशनशिप है। इस सब्जेक्ट के पास ये भी हर एक ऑब्जर्वर का डिटेल रहेगा, राइट? तो हैजर रिलेशनशिप हो जाएगा। अब हमारा जो वेदर डाटा है, इस वेदर डाटा को कहीं से टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी का डिटेल मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसके अंदर एक मेथड लिख दिया, मेजरमेंट चेंज। इसके अंदर हम लोग यहाँ का टेम्परेचर और प्रेशर और ह्यूमिडिटी अपडेट करते रहेंगे। तो जब भी वेदर डाटा में कोई चेंजेस होगा, जब भी हमारे वेदर डाटा में कोई भी मेजरमेंट चेंज होगा, ये क्या करेगा? नोटिफाई ऑब्जर्वर मेथड से सारे ऑब्जर्वर्स को अपडेट कर देगा। तो ये हम एग्जाम्पल लिए हुए हैं। मैं आपको कोड करके दिखा देता हूँ। मैं कोड जावा में कर रहा हूँ, आप लोग अपने किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है और बहुत ही इजी है। और ये मैक्सिमम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। आप लोग इसको प्लीज कोड भी देख के अपने से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, आउटपुट देखने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट हमारे केस में क्या है? वो टाइम्स ऑफ इंडिया का एजेंट, राइट? हमारे केस में क्या है कि हम लोग उसको जाएं और बोल दें कि भाई जाओ हमको रजिस्टर कर लो। तो हमने सब्जेक्ट में तीन मेथड डिसाइड कर दिया कि ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जर्वर को रजिस्टर कर सके, ऑब्जर्वर को रिमूव कर सके, और जितने भी इसके पास ऑब्जर्वर्स हैं सबको ये नोटिफाई कर सके। इस सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इस सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है हमारा वेदर डाटा। इसके अंदर अब देखिए हम लोग क्या है, हम लोग को ऑब्जर्वर्स का लिस्ट इकट्ठा करना है कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उसके पास एक डायरी होना चाहिए जहाँ पे वो लिख सके कि हम भी उसके सब्सक्राइबर हैं और आप भी हो और आपके पड़ोसी और आपके रिश्तेदार, ये चारों लोग आपके उस टाइम्स ऑफ इंडिया के। तो वो एक डायरी मेंटेन करेगा। तो हमने क्या कर लिया, हमने एक लिस्ट बना लिया ऑब्जर्वर्स का। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टर है, जब भी हम लोग वेदर डाटा का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो एरर लिस्ट से असाइन हो जाए, इनिशिएट हो जाए। ठीक है, सिंपल सा है। रजिस्टर ऑब्जर्वर में क्या करेंगे, हम लोग एक ऑब्जर्वर ले रहे हैं और उस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जर्वर लिस्ट में ऐड कर दे रहे हैं। फिर जब रिमूव करना हो रहा है तो हम लोग उस ऑब्जर्वर का इंडेक्स निकाल रहे हैं और उस इंडेक्स को रिमूव कर दे रहे हैं। अगर वो जीरो से बड़ा है, मतलब मिल रहा है उसको, तो हम लोग उसको रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं मेजरमेंट चेंज वाले पे। देखिए, हमारे इस वेदर डाटा को किसी को तो बताना पड़ेगा भाई कि वेदर डाटा चेंज हो चुका है। तो हम लोग गए मेजरमेंट चेंज में, एक मेजरमेंट चेंज करके मेथड हमने लिख दिया। उसके अंदर हम लोग जैसे ही मेजरमेंट चेंज होगा हम लोग क्या कर देंगे, नोटिफाई ऑब्जर्वर्स कर देंगे, राइट? तो उससे पहले, मेजरमेंट चेंज होने से पहले, हम लोग जो हमारा जो वेदर स्टेशन है वो बताएगा ना कि भाई ये टेम्परेचर हो चुका है, तुम जाके इसको सेट कर दो। तो सेट मेजरमेंट, हमारा जो वेदर स्टेशन है वो हमारा सेट मेजरमेंट कॉल करेगा और वो पास करेगा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर। हमने तीनों को यहाँ पे डाल दिया और हमने एक मेथड कॉल कर दिया, मेजरमेंट गॉट चेंज। जब हमने यहाँ पे डाला कि मेजरमेंट गॉट चेंज, हमने बोल दिया कि भाई जब मेजरमेंट चेंज हो रहा है तो तुम सारे ऑब्जर्वर्स को नोटिफाई कर दो। जब ये सारे ऑब्जर्वर को नोटिफाई, हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वर्स है यहाँ पे। तो हमने फॉर लूप चलाया हर एक ऑब्जर्वर पे और बोल दिया, अब ऑब्जर्वर का हम लोग कोड देख लेते हैं। देखिए, ऑब्जर्वर हमने एक इंटरफेस बना के रखा हुआ है, उसके अंदर एक मेथड है अपडेट, है ना? और ये तीन चीजें ले रहा है, टेम्प, ह्यूमिडिटी और फ्लोट। इसीलिए हम लोग क्या किए कि देखिए, अगर इसको इंटरफेस क्यों बनाया है, क्योंकि अगर इसको इंटरफेस इसलिए बनाया है क्योंकि जो हमारे जितने भी ऑब्जर्वर हैं वो सारे के सारे उस ऑब्जर्वर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पेरेंट है जो चाइल्ड का रेफरेंस होल्ड कर सकता है, इसलिए हमने उसको इंटरफेस बना दिया।
अब ये देखिए ऑब्जर्वर जो डिजाइन पैटर्न है, अरे सॉरी, ये जो ऑब्जर्वर है ये क्या करेगा, हर एक ऑब्जर्वर्स के पास जाएगा और अपडेट कर देगा कि भाई ये टेम्परेचर चेंज हो चुका है, ये ह्यूमिडिटी चेंज हो चुका है और प्रेशर चेंज हो चुका है। तो ये हमारा वेदर डेटा काम हो गया। इसके अंदर तीन मेथड है, इंपॉर्टेंट रजिस्टर ऑब्जर्वर, रिमूव ऑब्जर्वर और नोटिफाई ऑब्जर्वर्स। हर एक ऑब्जर्वर्स को लिस्ट लिए अपडेट कर दिए। कब अपडेट करना है, जब भी 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के बाद जब भी नंबर्स चेंज हो रहे हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और प्रेशर के, तब जाके तुम इसको अपडेट कर दो। ठीक है, आई होप कि ये हद तक आपको समझ में आ गया। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट वाला पार्ट। अब आते हैं वो हमारे जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इस सब्जेक्ट के ऊपर जो डिपेंडेंट है। तो एक तो हमारा बोला करंट कंडीशन क्या है, तो इसके अंदर हमने टेम्परेचर ह्यूमिडिटी प्रेशर ले लिया। और देखो इसको रजिस्टर करना पड़ेगा वेदर डाटा में, करंट कंडीशन डिस्प्ले को रजिस्टर करना पड़ेगा वेदर डाटा में। तो इसने क्या किया, वेदर डाटा के ऑब्जेक्ट बनाया, और जब इसका हम लोग कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं तो वेदर डाटा एक्सेप्ट कर रहा है, और वेदर डाटा एक्सेप्ट कर रहा है और इसको हम लोग इनिशियलाइज करते हैं वेदर डाटा से, और इस वेदर डाटा में हम लोग जो हमारा करंट ऑब्जेक्ट है, करंट डिस्प्ले एलिमेंट का, उसको हम लोग रजिस्टर कर दे रहे हैं। देखिए रजिस्टर ऑब्जर्वर मेथड कॉल कर लिए। ठीक है, इसके अंदर डिस्प्ले मेथड है, डिस्प्ले में हम लोग करंट कंडीशन बता रहे हैं कि भाई इतना टेम्परेचर है और इतना ह्यूमिडिटी है, और ये जो अपडेट मेथड उसको ओवरराइड कर लिए। क्यों, क्योंकि हमारा जो ऑब्जर्वर है उसके अंदर अपडेट मेथड है, तो ये वाली मेथड कॉल होगी। ठीक है, ये वाली अपडेट मेथड कॉल होगी। उसी तरीके से हमारे पास दूसरा जो स्टेटिस्टिक डिस्प्ले वाला है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं, तो उसके हिसाब से वेरिएबल लेंगे। देखिए हमारा जो मेन मेथड है, जो हमारा वेदर स्टेशन, उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि तुम बस अपडेट कर दो जो वहां पे टेम्परेचर मिल रहा है, जो उसको ह्यूमिडिटी मिल रही है, जो उसको प्रेशर मिल रही है, वो यहाँ पे तुम अपडेट कर दो। बाकी इनको किस तरीके से डिस्प्ले करना है वो इनकी जिम्मेदारी है। जो स्कोर सब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, जैसे धोनी सिक्स मारेगा वो सिक्स अपडेट कर देगा किस किस एलिमेंट को, कि करेंट स्कोर, रन रेट रिक्वायर, स्ट्राइक रेट, विथ जितना भी वो डिस्प्ले एलिमेंट होगा सबको जाकर अपडेट कर देगा, ये वाला स्कोर अपडेट हो चुका है। बाकी कैसे दिखाना, कैसे क्या लॉजिक लगना है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो जो डिस्प्ले एलिमेंट है उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो हमको क्या था, हमको एवरेज निकालना था, तो हमने क्या किया कि देखिए एवरेज निकालने के लिए हमारे पास डाटा जितना डाटा हो सब आना चाहिए। तो हमने लिस्ट ऑफ टेम्परेचर, लिस्ट ऑफ प्रेशर और लिस्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ले लिया है, और ये हमारा जब हम इसमें क्रिएट करेंगे तो हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, और जो हमारा ये स्टैटिक डिस्प्ले है उसको हम लोग रजिस्टर भी कर रहे हैं, वेदर डाटा में रजिस्टर भी कर रहे हैं। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद जितने भी लिस्ट उनको हम इनिशियलाइज कर दिए, और उसके बाद फिर डिस्प्ले एलिमेंट में आके एवरेज मेथड कॉल कर रहे हैं। वो कुछ नहीं कर रहा, बस एवरेज निकाल रहा है टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, और ऐसा करके। ठीक है, अब ये हो गया आपका, यहां तक हम लोगों ने क्या कर लिया, हमने दो डिपेंडेंट बना लिए इस पे, वेदर डाटा पे दो डिपेंडेंट बना लिए। और जो वेदर डाटा क्या है, हमारा सब्जेक्ट, ये करंट कंडीशन डिस्प्ले और स्टैटिक डिस्प्ले क्या है, ये दोनों हमारे ऑब्जर्वर हैं। अब हम लोग क्या करना है, ये पूरा हमारा अभी तैयार हो चुका है, लेकिन हमको जो वेदर स्टेशन है उसको जब डाटा मिलेगा तो उसको नोटिफाई करना पड़ेगा। तब आते हैं हम लोग वेदर स्टेशन में, और हम अपना कोड भी चेक कर लेते हैं। वेदर स्टेशन हम लोग क्या किए, वेदर डाटा का ऑब्जेक्ट बना लिए कि भाई जैसे ही आएगा हम तुमको इन्फॉर्म कर देंगे। और इसके दो ऑब्जर्वर थे, दोनों ऑब्जर्वर के हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना लिए, एक करंट कंडीशन डिस्प्ले, उसमें वेदर डाटा को बता दिए कि भाई इस वेदर डाटा में जाकर तुम अपने आप को रजिस्टर कर लो। ठीक है, अगर आप देखोगे इसको तो इसके अंदर क्या हो रहा है, वेदर डाटा हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इसी वेदर डाटा में सो जाकर हम लोग रजिस्टर कर ले रहे हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से स्टैटिस्टिक डिस्प्ले जो है उसको भी हम लोग बोलेंगे कि तुम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और जाकर वेदर डाटा में रजिस्टर कर लो। अब जो वेदर डाटा है उसमें हम लोग मेथड कॉल कर रहे हैं सेट मेजरमेंट्स, यानी कि देखो ये हो गया फर्स्ट टाइम और ये हो गया आफ्टर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स बहुत ज्यादा हो गया, बट 3 सेकंड का मैंने स्लिप लगा दिया हुआ है कि 3 सेकंड बाद ये हमारा जो वेदर डाटा है तुम जाके इसको अपडेट कर दो। मतलब जब जब उसको डाटा मिलेगा तब तक ये जो वेदर डाटा हमारा सब्जेक्ट है वो क्या करेगा, एक मेथड कॉल करेगा सेट मेजरमेंट्स। अब इसके अंदर जाते हैं, देखिए कितना मतलब अच्छा डिजाइन पैटर्न है। इसने एक ही मेथड कॉल किया, कौन सा, सेट मेजरमेंट। सेट मेजरमेंट के अंदर आओगे तो ये टेम्परेचर ह्यूमिडिटी प्रेशर को अपडेट करने के बाद मेजरमेंट चेंज कॉल कर रहा है, और इसके अंदर नोटिफाई ऑब्जर्वर्स। नोटिफाई ऑब्जर्वर्स में आओगे तो इसमें क्या होगा, अब तक, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने यहाँ पे इसको हम लोगों को उसमें करना पड़ेगा,
एक्सेप्शन थ्रो करता है तो एक्सेप्शन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, वेदर डेटा सेट मेजरमेंट गए, इसने नोटिफाई ऑब्जर्वर्स कर दिया। अभी तक क्या हो चुका था यहाँ पे, इस वेदर स्टेशन के अंदर करंट कंडीशन डिस्प्ले और स्टेटिस्टिक डिस्प्ले दोनों के दोनों वेदर डाटा में रजिस्टर कर चुके हैं। अगर आपको तीसरा जो था फोरकास्ट उसको भी रजिस्टर करना होगा तो उसका भी आप लोग बना के रजिस्टर इसी तरीके से कर सकते हो। जैसे ही मेजरमेंट हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे, हमारे दोनों के दोनों ऑब्जर्वर यहाँ पे उठाएंगे और दोनों के दोनों ऑब्जर्वर को अपडेट कर देंगे। अब इसका देखो दोनों, एक करंट कंडीशन डिस्प्ले में और स्टैटिक डिस्प्ले में, इसमें जाओगे तो हम लोग अपडेट मेथड कॉल हो रहा है, यहाँ से डिस्प्ले मेथड कॉल हो रहा है तो डिस्प्ले हो जाएगा भाई करंट कंडीशन ये है और वो है। ठीक है, एक बार अब हम लोग रन करके देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। करंट कंडीशन 80, एवरेज 80, 32, 65। अभी हमने थ्रेड को बोल दिया कि भाई 10 सेकंड में कोई डाटा आएगा तो हमको जाएगा फिर से अपडेट कर देना। देखिए 10 सेकंड में फिर से आ गया, हमको एवरेज बढ़ गया। देखिए पहले क्या था 80, दोबारा क्या था 82 और यहाँ पे एवरेज 81 आ गया। तो आप समझ रहे हो कि मतलब ये हमारा जो सब्जेक्ट था वो जाके दोनों के दोनों करंट कंडीशन और स्टेटिस दोनों लोगों को जाके नोटिफाई कर दिया कि भाई ये डाटा चेंज हो चुका है, अपने आप को अपडेट कर लो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है। आप जो भी पाइथन गो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आप इम्प्लीमेंट करके देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे आप डिजाइन पैटर्न्स पे। थैंक यू, बाय बाय।